जब आप किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या कोई भी बैंक का एटीएम मशीन हो, तो आप नॉर्मली यही करते हैं, अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालते हैं तो आपका एटीएम कार्ड एटीएम मशीन के अंदर लॉक रहता है जब तक कि आपका पैसा निकल के ना आ जाए। इसके बाद आप अपना पिन नंबर डालते हैं, अमाउंट भरते हैं, अमाउंट भरने के बाद आपका जो पैसा है वो एटीएम मशीन से निकल के आ जाता है, पर तब तक आपका कार्ड जो है एटीएम मशीन के अंदर लॉक रहता है। पहले आपका जो पैसा है एटीएम मशीन से निकल के आता है, फिर इसके बाद जब आप पैसा निकाल लेते हैं तब जाके आपका कार्ड एटीएम मशीन अनलॉक करती है, फिर इसके बाद आप अपना एटीएम कार्ड निकालते हैं। यानी पहले पैसे निकल के आते हैं, फिर आपका एटीएम कार्ड आप निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे यूनियन बैंक का हो, ऐसे बहुत सारे बैंकों में अक्सर आप ये देखते हैं। पर एक बैंक का एटीएम मशीन ऐसा है जिसमें यहाँ पे उल्टा होता है, वो बैंक है एचडीएफसी बैंक का एटीएम मशीन, इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें होता यह है कि पहले आपका जो है एटीएम कार्ड जब तक आप अपने एटीएम मशीन से नहीं निकालेंगे तब तक आपका पैसा निकल के नहीं आएगा। चलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ कैसे इसमें उल्टा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे स्टेट बैंक का है, तो यहाँ पे आप जैसे कि सारा प्रोसेस करने के बाद जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आप अपना जो है अमाउंट भरेंगे। अमाउंट भरने के बाद जो पैसा निकालना चाहते हैं वो पैसा भरेंगे, इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। देखिए योर ट्रांजेक्शन प्रोसेस प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हमारा जो है एटीएम मशीन से पैसा निकल के इस प्रकार से आ जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं। पर मेरा एटीएम कार्ड अभी भी एटीएम मशीन में लॉक है। यहाँ पे देखिए मेरा पैसा निकल के आ गया सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है, अब आप अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्टेट बैंक का मैं आपको दिखाया, इसी प्रकार से आप यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या अन्य कोई भी बैंक का एटीएम मशीन है, इस प्रकार से आपका पैसा निकलता है। यानी कि पहले आपका जो है पैसा निकल के आता है एटीएम मशीन से, फिर इसके बाद आप अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का है वो उल्टा है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक में सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट भरेंगे जो पैसा निकालना चाहते हैं, वो अमाउंट भरने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पर यहाँ पे उसके ठीक सामने बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर डालना होता है। यहाँ पे जैसे आप अपना पिन नंबर जो है डाल देंगे, जो एटीएम कार्ड का सीक्रेट पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रेस के ठीक सामने बटन दबा देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब तक आप अपना एटीएम कार्ड नहीं निकालेंगे तब तक आपका पैसा निकल के नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है इस प्रकार से। अब देखिए जैसे यहाँ पे पैसा निकल के नहीं आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए जैसे ही हम अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन से निकाल लेंगे इस प्रकार से, देखिए अब हमारा पैसा निकल के आएगा। देखते हैं ये मेरा पैसा निकल के अब आया, यानी कि जब तक आपका जो है अपना एटीएम कार्ड नहीं निकालेंगे आपका पैसा निकल के नहीं आएगा। तो जैसा कि आपने देखा जब तक आप अपना एटीएम कार्ड एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन से नहीं निकालते हैं तब तक आपका पैसा निकल के नहीं आता है एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन से। यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारे साथ हुआ था। जैसे मैं बहुत सारे बैंकों के एटीएम मशीन से पैसे निकालते रहता था तो वहाँ पे मेरा जो पैसा है सबसे पहले निकल के आ जाता था, मैं अपना पैसा निकाल लेता था फिर इसके बाद अपना एटीएम कार्ड निकाल देता था। पर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन में जब मैं गया था पैसे निकालने के लिए, वहाँ पे हमारे साथ यही वाकया हो गया। यहाँ पे मैं वहाँ पे खड़ा रहा कि मेरा पैसा अब निकल के आए क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा तो हमारे पीछे जो व्यक्ति था उसने बताया कि पहले आप भाई साहब अपना कार्ड निकालिए तभी आपका पैसा निकल के आएगा। तो तब जैसे ही मैंने अपना कार्ड निकाला तो तब जाके हमारा पैसा निकल के आया है। तो यहाँ पे आपको भी अगर ये नहीं मालूम था तो ये जानकारी आपके लिए थी। ये वीडियो मैं अक्सर उन्हीं लोगों के लिए बनाया हूँ जिनको ये सारी जानकारी नहीं मालूम है। अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं मैं अपने चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो।